और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, सिक्किम सीमा पर भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया है। चीन को दिए जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 16 जून को चीन के सैनिकों ने डोकलम इलाके में भारतीय सीमा में घुसकर जबरन सड़क निर्माण का काम शुरू किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया है। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को वहां से हटने की पहले गुजारिश की है और 16 जून 2017 की स्थिति में लौट जाने को कहा था उन्हें। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी सैनिकों की इस हरकत का मुद्दा भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया है। नाथुला में 20 जून को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया था। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिक्किम में जो सीमा विवाद है भारत और चीन के बीच, उसको लेकर के भारत का रुख और भी ज्यादा कड़ा हो गया है। एक तरफ तो ये अहम जानकारी आपको दे दें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो नाथुला दर्रे के रास्ते हो रही थी उसको रद्द कर दिया गया है। भारत ने इस यात्रा को रद्द किया है। इसके साथ ही चीन को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया गया है। उन्होंने चीन को दिए गए जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 16 जून को चीन के सैनिकों ने डोकलम इलाके में भारतीय सीमा में घुसकर जबरदस्ती की थी सड़क निर्माण के काम को रोकने को लेकर के। आपको ये बताते चलें कि भारतीय सैनिकों ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया है। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को वहां से हटने की भी गुजारिश की थी और 16 जून 2017 की स्थिति में लौट जाने को कहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी सैनिकों की इस हरकत का मुद्दा भारत ने चीन में भी 20 जून को दोनों देशों के बीच जो अहम बैठक हुई थी उसमें भी उठाया था और इस मामले में रास्ता निकल जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुलह या कोई रास्ता या फिर चीन का जो रुख है वो सकारात्मक नजर नहीं आया है। और इसके बाद जो नाथुला दर्रे के जरिए यात्रा चल रही है उसको रोकने की बात की गई है और इसके बाद भारत ने औपचारिक तौर पर फिलहाल इस रास्ते से मानसरोवर की यात्रा को, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द कर दी है। हम इस खबर पर और डिटेल के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ रहे हैं। कृष्ण, चीन के रुख को लेकर जिस तरीके के गर्माहट देखने को मिल रही थी, भारत का ये जवाब कहा जा सकता है कि एक ऐसा जवाब है जिसके बाद शायद अब औपचारिक स्तर पर भी एक कुछ ठोस बात सामने आएगी कि अब क्या रुख रखना है चीन को लेकर। देखिए, चीन को लेकर भारत ने जो जवाब दिया वो काफी इंतजार करने के बाद दिया है। जवाब बेहद सधा हुआ है लेकिन बहुत सख्त है और चीन को भारत ने साफ साफ कहा है कि जो भी गतिविधियां चुंबी वैली के इलाके में चीन कर रहा है उसको लेकर भारत चिंतित है और साथ ही ऐसी किसी भी हरकत से स्टेटस को यानी यथा स्थिति बिगड़ सकती है, जिसके बारे में 2012 में भारत और चीन के बीच में अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई थी कि चुंबी वैली में यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। साथ ही जो सड़क चीन बना रहा है उसको लेकर भारत अपनी सुरक्षा के लिए उसे खतरा मानता है। भूटान ने भी चीन से, चूंकि भूटान और चीन के बीच में कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए भूटान ने भारत में जो भारतीय दूतावास के जरिए चीन को बताया है कि जो जिस इलाके में चीन सड़क बना रहा है वो भूटान का इलाका है और वहां चीन का सड़क बनाना बिल्कुल गलत है। बहरहाल, चीन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से चीन ने रिएक्शन दिया वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा की मर्यादाओं के खिलाफ था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जवाब देने और भाषा की एक मर्यादा होती है, लेकिन पिछले 3 दिनों में चीन का जो भी बयान था वो उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। आज भी चीन ने साफ साफ कहा है कि जब तक भारतीय सैनिक अपनी चीन की टेरिटरी से निकल नहीं जाते हैं तब तक वो न बातचीत करेगा और तब तक न ही वो मानसरोवर की यात्रा को चलने देगा। अब सवाल ये है कि जिस इलाके का दावा चीन कर रहा है वो चीन का है भी या नहीं। इस बारे में भारत ने और भूटान ने दोनों ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने चीन अपनी सरहद नहीं लांघी और वो चीन के इलाके में है नहीं। बहरहाल, ये जो पूरा मामला है ये पिछले कई दशकों में भारत और चीन के बीच में सबसे गंभीर विवाद है और अभी आज की स्थिति तक तो ये लग रहा है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। मनोज जी, शुक्रिया कृष्ण मोहन जी इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम अहम जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर। तो भारत का रुख जो है चीन को लेकर के इस वक्त सख्त नजर आया है और नाथुला दर्रे के रास्ते जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी उसको रद्द कर दिया गया है।